बताऊंगा कि सप्लीमेंट्स, कौन से सप्लीमेंट सबसे बेस्ट रहते हैं। अप एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज आई डोंट नो कौन सा डे है, बट आज कुछ है था नहीं शूट करने के लिए। एंड वर्कआउट में भी मैं कुछ इतना खास वर्कआउट मैं आज करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पूरे हफ्ते बहुत टीडियस था, बहुत वर्कआउट किया था, सारे बॉडी पार्ट ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं, तो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू हिट एनी अदर मसल एंड आई वांट टू रेस्ट। गाइस, रेस्ट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज कुछ था नहीं, तो आई थॉट दैट व्हाई डोंट आई गिव यू सम टिप्स अबाउट। आज मैं बताऊंगा कि सप्लीमेंट्स, कौन से सप्लीमेंट सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं व्हाट इज द बेस्ट सप्लीमेंट, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो दिस वीडियो इज फॉर देम। देखो यार, सबसे पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना नेसेसरी नहीं है। व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर डाइट, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। डाइट, न्यूट्रिशन, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए सप्लीमेंट्स के ऊपर, इट वॉन्ट वर्क, इट्स वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है, इट्स गार्बेज। तो न्यूट्रिशन सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो अपना, एंड देन किसी कारणवश आपका न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहा, कहीं पे आपके 19-21 का फर्क पड़ रहा है, तब आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन सप्लीमेंट दैट आई ऑलवेज रिकमेंड यू गाइज, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, वो है वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन तीन प्रकार के होते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेट, मैं पहले इसको उतार दूँ, बाहर निकलो तो ये ज़रूर पहनो, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ इस यहाँ पे पार्क में आया हूँ। तो तीन प्रकार के वे प्रोटीन होते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेट, तीन प्रकार के वे प्रोटीन होते हैं, दैट इज नंबर वन इज कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज्ड। तो कॉन्सेंट्रेट में प्रोसेसिंग थोड़ी कम होती है, आइसोलेट में थोड़ी ज़्यादा होती है, हाइड्रोलाइज में सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है। तो आप अगर तो आप बल्किंग कर रहे हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज ले सकते हैं। सेकेंड सप्लीमेंट दैट आई रिकमेंड इज इट इज मोस्ट रिलायबल, बहुत अंडररेटेड भी है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी है कह सकते हैं, दैट इज क्रिएटिन। क्रिएटिन अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट सप्लीमेंट after whey protein, क्योंकि it will help you to bulk up, it will help you to increase your strength, so it is a beneficial supplement. बाकी जो उसके myths हैं that it उससे fat वो उससे hair loss होता है, that is completely false. Okay, तो creatine आप मैं recommend करता हूँ, that is 5 gram of creatine every day after your workout and post workout shake. इस थर्ड सप्लीमेंट है कैफीन, आप कैफीन फ्रॉम कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं जिसमें कैफीन हो, बीटा एलिनिन हो और सिट्रोलिन मैलेट हो। कैफीन से आपकी कंसंट्रेशन एंड वर्कआउट वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो थर्ड है सप्लीमेंट कैफीन, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। फोर्थ सप्लीमेंट इज मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स आर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। आप डाइट से भी ले सकते हैं, बट इफ़ यू आर वर्किंग आउट या डाइट में डिफिशेंसी है तो आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। योर हेयर, योर आईज, योर नेल्स, इस चीज़ में वो इन चीज़ को इम्प्रूव करती है। ओके, तो आप ज़रूर लीजिए मल्टीविटामिन्स।
And guys, last supplement but not the least is omega-3, that is fish oil. Omega-3 आपको वैसे भी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए अगर आप फिश नहीं खाते, या फिर क्या कहते हैं उसको, आलमंड्स में मिलता है, फ्लैक्सीड में मिलता है, आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ये ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप ये सप्लीमेंट के तौर पे लेना चाहते हैं तो ओमेगा 3 या फिश ऑयल की कैप्सूल्स आती हैं, आप उसको ले सकते हैं. हेल्दी फॉर योर ब्रेन, हेल्दी फॉर योर हार्ट, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, उसको ज़रूर लीजिएगा. सो दीज आर माई 5 बेस्ट सप्लीमेंट्स एंड इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ले सकते हैं इसको एंड यू कैन इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, यू कैन इम्प्रूव योर फिटनेस एज वेल. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही. लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्हाट यू फील अबाउट द वीडियोज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू, लव यू अ लॉट.